नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। आज स्टॉक आइडिया में चेन्नई पेट्रो का स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों के बेस के ऊपर ये एनालिसिस है, और ये एनालिसिस के हिसाब से जो टारगेट आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर आपको यहाँ पर बाय करना है कि नहीं है ये आपके एडवाइज़र के साथ आप डिस्कस करके डिसाइड करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने डाउनवर्ड एंगल और टाइम अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये प्रीवियस हाई जो था, ये हाई से मैंने जो डाउनवर्ड एंगल डाला है, ये चेन्नई पेट्रो का वीकली चार्ट है। तो ये वीकली चार्ट में आप दो तीन चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह दिख रही है कि यहाँ पे मैंने प्रीवियस हाई जो है अराउंड 449.60 का, उसके ऊपर मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, और वो डाउनवर्ड एंगल के आसपास आप देखेंगे यहाँ से नीचे आने के बाद जब ऊपर आया था तो एग्जैक्ट डाउनवर्ड एंगल में रुकने के बाद वापस एक नीचे की साइड में मूवमेंट आई 180 से, और 180 से अभी ये ऊपर आके इसने ये जो प्रीवियस हाई जो है ऑल टाइम हाई उसका एक मिनट है यहाँ पे, हाँ ऑल टाइम हाई जो था वो 450 के आसपास था, उसको क्रॉस करके यहाँ पे दो हफ्ता रुका हुआ है। तो अभी जो उसने ऑल टाइम हाई लास्ट थ्री वीक में किया था 458 का हाई किया था, और वहाँ से अभी ये डाउनवर्ड एंगल के ऊपर रेस्ट हुआ है। तो डाउनवर्ड एंगल के ऊपर निकला है तो ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन रहता है कि यहाँ से आपको अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगी, और उसके बाद मोमेंटम जो है वो हाई के ऊपर का आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो वो एक 530 के आसपास आएगा, और अगर हम लोग यही हाई के ऊपर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको 480 के ऊपर ही मोमेंटम मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से 480 के ऊपर ही मोमेंटम पकड़ने में हर्ज नहीं है यहाँ पे, तो 480 के ऊपर जैसे ही मोमेंटम आ जाएगा हमको ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2007 में 448 का भाव था या 450 का भाव था, 2007 से लेके 2023 और 2007 इसमें कम से कम 16 साल हो चुके हैं। 16 साल के बाद ये 448 का दो बार इसने अटेम्प्ट किया, एक 2017 में किया, 2007 में किया, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे जाके करीबन 50 के आसपास एक बार गया, दूसरी बार भी 50 के आसपास आया, और 50 से वापस 500 हो जाता है। मतलब अगर नीचे की साइड में हम लोग इसे पकड़ते हैं तो 510 गुना हो सकता है, ऐसा इसमें ताकत है। तो नीचे से 10 गुना दो बार हो चुका है, वो ऑलरेडी दो बार हो चुका है, तो ऊपर से डबल नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्योंकि 16 साल का अगर वो एक्यूमुलेशन को तोड़ के ऊपर जाएगा तो डबल मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा, और वो भी विद इन अ ईयर। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हम लोग एक दो साल का अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम जो है वो दो साल में बहुत अच्छी तरह बढ़ा हुआ है, और वो जो वॉल्यूम है वो आपको राइजिंग में दिख रहा है। तो प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है उसके साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये जो वॉल्यूम है ये आपको ऊपर में आने वाले टारगेट्स जल्दी आएंगे ये आपको इंडिकेट करता है। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग ये है कि ये वॉल्यूम आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो टॉप में बाइंग करने का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ये वॉल्यूम देता है। अगर हम लोग ये इसको हम लोग यहाँ से 50 से 550 का जो डिफरेंस है, मतलब 400 रुपया का जो डिफरेंस है, वो 400 रुपया आप अगर टॉप से भी गिना जाएगा तो 450 में आप 400 गिना जाएंगे तो 900 रुपया का टारगेट आ जाएगा।
तो यही हिसाब से मेरे ख्याल से 900 रुपया का टारगेट इसमें साल के अंदर या 1-1.5 साल के अंदर आना चाहिए और स्टॉक्स डबल होना चाहिए। अभी इसको हम लोग और एक तरीके से देखते हैं कि फंडामेंटल इसका क्या बताता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, अगर हम लोग trina.com में जाके चेन्नई पेट्रोलियम को देखते हैं, तो चेन्नई पेट्रोलियम आपको ये बताएगा कि इसका मार्केट कैप जो है 6,595 है। तो ये जो मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप स्मॉल कैप में आ जाता है, मिड कैप में आ जाता है। तो और स्टॉक का पी जो है वो 1.87 है। इसका मतलब ये है कि करंटली जितना ये साल का प्रॉफिट कमाता है 3,500, अगर हम लोग ने एवरेज देखा, अभी ये लास्ट ईयर में जो 3,500 का प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये प्रॉफिट से अगर हम लोग ने मार्केट कैप को डिवाइड किया तो 1.87 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि करंटली कंपनी इतना कमा रही है कि 2 साल में ही ये अपना पैसा रिकवर कर देगी। अगर हम लोग ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल में ये कंपनी पैसा रिकवर कर देगी। तो स्टॉक पी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है। आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 45% का है, वो बहुत अच्छा है। आरओई 73% का है। बुक वैल्यू 422 रुपया है, मतलब ये करंट प्राइस और बुक वैल्यू एकदम परफेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें डिविडेंड यील्ड जो है ये, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से ये 6% डिविडेंड भी देती है। 10 का फेस वैल्यू है। डेप जो है वो कंट्रोल में है। प्लेच कुछ भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। इंडस्ट्री पी जो है वो 14 का है और स्टॉक पी है 1.87। लेकिन ये इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में पर सिर्फ अंतर यही है कि ये गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से ज़्यादा इसमें ग्रोथ आती नहीं है। ईपीएस जो है वो 237 का है। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी बहुत बढ़िया है। आप अगर प्रोज और कॉन्स देखेंगे तो कॉन्स में कुछ भी नहीं है, और प्रोज में देखेंगे तो रिड्यूस डेप्ट, डेप्ट रिड्यूस कर रही है, बाद में ट्रेडिंग एट 1.5 बुक वैल्यू, उसके बाद डिविडेंड यील्ड अच्छा है, उसके बाद गुड क्वार्टर आने का एक चांसेस है एक्सपेक्टेड। तो कल इसका रिजल्ट भी है। अगर ये रिजल्ट कल अच्छा आएगा तो ये कंपनी बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दे देगी। उसके बाद कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ। 31% का सीएजीआर जो है वो 5 साल में कंटिन्यूस आया हुआ है, और आरओई जो है वो 3 साल कंटिन्यू लगातार 54% आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल भी 26 दिन से रिड्यूस होकर 11 दिन हो चुके हैं। तो सब तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है। कंपनी का अगर आप प्रॉफिट ऑन लॉस देखते हैं सालों हर साल का, तो ये अभी ऑल टाइम हाई पे है। इसका सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, और इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो टैक्स भी ये परफेक्ट पे कर रही है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा दे रही है। अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 78% लास्ट ईयर हुआ है, 28% कंटिन्यूस 3 साल में आया हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3 साल में 55% आया हुआ है, 10 साल में 15% है, और सीएजीआर जो है स्टॉक प्राइस का बढ़ने का वो लास्ट ईयर में 59% आया हुआ है, और 3 साल में देखते हैं तो 71% बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगी अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं। स्टॉक प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 67% है, और अगर हम लोग उसके यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम के कुछ ये देखते हैं तो न्यू रिफाइनरी भी वो डाल रहा है। द कंपनी हैज प्लान टू सेटअप अ ग्रास रूट रिफाइनरी ऑफ 9 mm टी पे कैपेसिटी ऑन जेवी बेसिस है नागापट्टिनम लोकेशन आफ्टर डिसमेंटलिंग द एग्जिस्टिंग। ये तो इस हिसाब से वो एक्सपांडिंग कंपनी है, आईओसी ग्रुप का पार्ट है। तो इस हिसाब से ये चेन्नई पेट्रोलियम सब जगह से अच्छी लग रही है। थोड़ा सा द कंपनी इज ओनली एन ऑयल रिफाइनिंग कंपनी एंड हैज लिमिटेड प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इट्स मार्जिन एंड प्रॉफिट्स आर हाईली वल्नरेबल टू मूवमेंट इन इंटरनेशनल क्रूड प्राइस।
इम्पोर्ट ड्यूटी डिफरेंशियल एंड फॉरेन एक्सचेंजेस रेट। हाँ बस यही एक पॉइंट है कि क्रूड ऑयल के ऊपर ये डिपेंड रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म करेगी अगले 1 साल में। अब तो आप इसको जरूर कंसिडर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।